देशा हाँ। हमको दो टिकट मिल चुके हैं, एक इंग्लिश में एक जापानीज में। ये बुद्धा की स्टैचू का एक सीक्रेट है जो मुझे आज तक कहीं पे मिला नहीं था। पन में सब जगह माचा मिलता है लेकिन कामागुरा में चाचा मिल रहा है। हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एज जर्नी जापान ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं कामाकुरा। आज गोल्डन वीक का फर्स्ट डे है, वेंसडे हाँ। है तो संडे तक यहाँ पे छुट्टियाँ हैं। गोल्डन वीक यहाँ पे 4 से 5 दिन का होता है। आज शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरियल डे है। इस बार हम कुछ लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं बट बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स पे जाएंगे। हाँ। वन डे ट्रिप पर टोक्यो के आसपास जो टोक्यो के सब बाहर ही घूम लेंगे। टोक्यो में क्या घूमेंगे तो इस बार टोक्यो। हाँ अभी टोक्यो से बाहर जा रहे हैं कानागावा प्रीफेक्चर में। हाँ कामाकुरा और एनोशिमा, वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे जापानीज ट्रेडिशन है, मंदिर है, टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं बहुत सारे। अब वहाँ पे क्या एकदम डिटेल में वो तो आपको ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। पूरा ब्लॉग देखिए हमारे साथ और इंजॉय करिए। ओके सी यू। तो अभी घर से निकले थे हम और अच्छा हुआ याद आ गई कि लंच बैग जो था हमारा वो घर पे ही रह गया था। तो अभी हितेश लेने के लिए गए हैं, वो आ रहे हैं। और अगर ये वाला क्लिप देखा ना तो बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। तो चलो मैं रखती हूँ, अब स्टेशन पे जाके मिलते हैं। तो अभी मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे पूरा सन्नाटा है क्योंकि गोल्डन वीक में सभी लोग इधर उधर ट्रिप पे चले जाते हैं। तो ये वाला एरिया पूरा सुनसान है, वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं। वो स्टेशन है, वहीं पे हम जा रहे हैं। हितेश का वेट कर रही हूँ अभी मैं। तो ये आ गया हमारा लंच भाई। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सुइका को चार्ज कैसे करते हैं। तो ये 1000 येन है और मैं चार्ज करके बताती हूँ आपको। बहुत सिंपल है, लैंग्वेज सेलेक्ट किया इंग्लिश, प्लीज इंसर्ट योर आईडी कार्ड इन द ट्रे, कार्ड को यहाँ पे रखा, 1000 येन चार्ज करना है मुझे, 1000 येन सेलेक्ट किया। देन ये अभी आपका करंट बैलेंस भी बता रहा है 897 येन। यहाँ पे रिपोर्टिंग टिकट इंफॉर्मेशन, प्लीज डू नॉट चार्ज कंप्लीट, चार्ज कंप्लीट। अभी हम नोबोरितो स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पे इतना क्राउड जो है वो हमेशा देखने को मिलता है क्योंकि ये नोबोरितो स्टेशन फेमस है। यहाँ से डोरेमोन का म्यूज़ियम आता है कावासाकी सिटी में, तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। और दूसरे यहाँ पे अट्रैक्शंस भी है कुछ, तो वहाँ पे भी हम कभी जाएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। बाय द वे अभी हम चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ से हमको हमारे डेस्टिनेशन पर जाना है, फुजीसावा स्टेशन। और यहाँ से अप्रॉक्स 50 मिनट्स लगने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। अभी हमें नोबोरितो स्टेशन और यहाँ से हमने फ्री पास ले रखा है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन टिकट ले रखा है एमोतो एप्लीकेशन पे। तो ये देखिए हाँ। जापानीज में तो शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये एनोशिमा का और कामाकुरा का फ्री पास है। हाँ ऑनलाइन हमने खरीदा है, बार कोड के थ्रू अब जा सकते हैं, हम अभी स्कैन करके आए हैं। हाँ नोबोरितो से इसकी प्राइस है 1400 येन, आपको मतलब शिंजुकु से लेना है तो कोई 1900 तक पड़ सकता है। नोबोरितो से सस्ता है। हमारी ट्रेन आ गई है, अब चलो इसके अंदर चलो। तो अभी हम आ गए फुजीसावा स्टेशन। यहाँ से इनकी लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, वो लेंगे हम एनोदेन और उससे हम जाएंगे हासे स्टेशन। एनोदेन मीन्स एनोशिमा देशा मीन्स ट्रेन होता है। हाँ। तो ये जो ट्रेन है एनोशिमा और ये फुजीसावा सिटी का साइट सीइंग करवाएगी हमको। चलो देखते हैं वो जो ट्रेन आएगी कौन सा प्लेटफॉर्म पे बैठना है। तो यहाँ पे आके लिटरली लग रहा था कि गोल्डन वीक का फर्स्ट डे है, बहुत ही रश था, बहुत सारे जापानीज लोग और फॉरेनर्स भी आए हुए थे यहाँ पे। अब ट्रेन में भी देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। तो सीट तो नहीं मिली यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, सारी सीट्स फुल थी तो हमको खड़े खड़े कुछ देर ट्रेवल करना पड़ा। हम जा रहे हैं अंदर
और ट्रेन से बाहर का व्यू तो ऑसम। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ट्रेन से बाहर का व्यू पूरा इंजॉय करती हूँ, नो मैटर ट्रेन में कितना रश है, कितने लोग हैं। अभी हम हैं हासे स्टेशन, और ये हासे स्टेशन एरिया इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं और अभी जा रहे हैं बुद्धा के टेंपल। देखो कितने सारे लोग आए हुए हैं आज। इधर ही है क्या? कितने सारे लोग हैं? मामे की शॉप है, मामे की शॉप है, मामे और नोरी है, नोरी। और देखो वो ट्रेडिशनल घर जापानीज स्टाइल में। क्यों नहीं खाएंगे आइसक्रीम? देखो कितने सारे गायकोकु जिन है फॉरेनर्स। आ गई आइसक्रीम, मिल्क वाली है? हाँ, सॉफ्ट क्रीम और वेनिला फ्लेवर। ओके चलो खाऊंगा। हाँ अभी स्प्रिंग सीजन है, लेकिन आज पूरा गर्मी जैसा माहौल बन गया है यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे नेचर का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है ना। यहाँ क्या है? हंकी वेंडिंग मशीन। ये देखो कितना सुंदर है व्यू, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ यहाँ पे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्मी जैसा लग रहा है ना। और बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं बड़े से बुद्धा के स्टैचू के पास, आपको भी दिखाते हैं। हाँ सामने ये सोविनियर की शॉप है, सोविनियर्स ऑफ जापान। अभी मंदिर से आगे फिर चलते हैं इधर। यह हमने 300 येन में दो टिकट खरीद लिए, मतलब 600 येन के हैं, एक इंग्लिश में एक जापनीज में। और अब हम जा रहे हैं बुद्धा देखने, ये टिकट। चलो चलते हैं। ये आ गए हैं बुद्धा जी के पास, बैठे हुए बुद्धा जी। इतने बड़े पूरे ये है ब्रॉन्ज के बने हुए हैं पूरे। हाँ थोड़ी रस्त लग चुकी है मेरे को लगता है, ब्रॉन्ज मेटल के हैं पूरे। हाँ। अभी पास तक पास से जाके दिखाएंगे कि yes. कैसे उन्होंने लेयर बाय लेयर उसको अटैच किया। ये बुद्धा की स्टैचू का एक सीक्रेट है जो मुझे आज तक कहीं पे मिला नहीं था। आई डोंट नो कि होगा भी या लोग बताते नहीं है शायद। हाँ बताते नहीं है, बट अभी हितेश ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक सीक्रेट है, वो हम आपको पास में जाके ही बताएंगे। आगे पास आ चुके हैं। बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये जो बुद्धा जी का स्टैचू है ये जापान में सेकंड लार्जेस्ट मतलब टॉलेस्ट है। हाँ। ये सेकंड है यहाँ पे। हाँ। फर्स्ट वाला पता नहीं कहाँ। हाँ। चलो थोड़ा पास चल के दिखाता हूँ मैं कि ये जो लाइन लग रही है ना ये उसी सीक्रेट के लिए लग रही है, ये इस टाइप का है। ये देखिए ये पास से बता रहा हूँ मैं पूरा एक एक लेयर को। ये है कि अभी ये बुद्धा जी के स्टैचू के अंदर हम जा सकते हैं ना, ऊपर जाएंगे पता नहीं आएगा। हाँ ये अंदर से खोखला है, अंदर से मतलब पूरा खाली है, तो यहाँ ये लाइन लगी है। ये सीक्रेट था यहाँ पे। हाँ तो अभी अंदर जाके बताते हैं। ये 12th सेंचुरी का है, 12th सेंचुरी का, 850 साल पहले। देखो बैग से कुछ इस तरह का दिखता है ये स्टैचू, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा बट हाँ। और इसको बनाने में 10 साल लगे थे ना, उसमें लिखा हुआ है 10 से 12 साल लगे थे इसको बनाने में। तो ये दाइबुत्सु के स्टैचू के अंदर जाने की 50 येन यहाँ पे अलग से लग रहे हैं। ये ले लिया टिकट? हाँ, ले लिया। ओके यहाँ पे स्टेयर्स है ये ऊपर खिड़की के लिए है। ये क्या यहाँ पे शायद रिपेयरिंग करी है वापस। तो ये कोतोकु इन टेंपल जो है कानागावा प्रिफेक्चर का बेस्ट टूरिज्म स्पॉट है, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो वो दाइबुत्सु के स्टैचू के यहाँ पे जरूर विजिट करता है, और ये पूरे जापान में फेमस है।
यहाँ पे बाहर जो शॉप है वहाँ पे हम अभी आए हैं। मुझे ना कुछ मिला है। क्या मिला है? मुझे ना पैसों की गड्डियाँ मिली है। पैसों की गड्डी मैं से अमीर बनूंगा, रिच रिच। पैसों का यही ले लो ना वॉलेट, तुम्हारा काम ही हो जाएगा। 1000 येन का ये वाला आइटम अच्छा लगा। ब्यूटीफुल जापान, ये उसके वो है ओपेरा और टेंपल और पैलेस और बुद्धा का स्टैचू और टोक्यो टावर, टोक्यो टावर भी बना है। और इनके लोकल जो सोवीनियर शॉप्स होती है यहाँ पे, कुछ चीज़ें इतनी क्यूट क्यूट सी लगती है, ऐसा लगता है सारी चीज़ें ले लो। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, बुद्धा जी का स्टैचू, लकी चार्म्स, पोस्ट कार्ड, टेम्पल के अलग अलग मैग्नेट्स, जापान के सोवीनियर आइटम, बहुत कुछ मिल रहा था। सब तो हम नहीं ले सकते, बट हाँ कुछ चीज़ें हमने कुछ स्टोर्स पे विज़िट किया और देखा उनके प्राइस और बहुत सारी सुंदर सुंदर सी चीज़ें। यहाँ पे पेन मिल रही है, ट्रेडिशनल चॉपस्टिक की पेन है। बताओ पेन है कि क्या है? चॉपस्टिक है, पेन है। पेन पे भी सुशी बना दी। तो आप यहाँ पे मैडम जी कामाकुरा स्टेशन पर आ चुके हैं, अब हाचीमांगो श्राइन और वो फिर स्ट्रीट वगैरह घूमने जाने वाले हैं और भूख भी लग रही है। मैडम हम आ चुके हैं कोमाची स्ट्रीट, तो यहाँ से कोमाची दोरी, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। अब आपको हम शॉप्स दिखाते हैं। यहाँ पे जापनीज फैन मिल रहे हैं, अंदर क्या है देखते हैं चलो। देखो किड्स के कुछ है ड्रेस जापनीज, युकाता? हाँ युकाता है शायद किड्स के, या जिम्बे लिखा है, किड्स जिम्बे कोजोमोयो जिम्बे 3000 येन। चित्रकारी करी हुई तो कोमाची दोरी स्ट्रीट जो है ये कामाकुरा की बेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है, और यहाँ पे बहुत सारे इनके लोकल फूड स्नैक्स और कुछ सोवीनियर आइटम्स मिल रहे थे। तो अगर आप कामाकुरा आ रहे हैं और आपको कुछ जापान की मेमोरी एज अ सोवीनियर कुछ भी चाहिए, तो आप ये वाली स्ट्रीट पे ज़रूर विज़िट करें। थोड़ा स्टैंडर्ड वाली शॉप भी है यहाँ पे और थोड़ा लो क्वालिटी वाली शॉप भी है, लेकिन हाँ उसके हिसाब से प्राइस के वो डिफरेंस अलग अलग है। जैपनीज माचा स्वीट्स है यहाँ पे, सारी बिटर है टेस्ट में, माचा है तो बिटर ही होगी। तुमको खा के ट्राई करना है क्या माचा वाली? इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है खोपरा पाक वाली मिठाई नहीं होती है। हाँ कैंडीज है उसकी, टेस्ट करके देखो ना कौन से अच्छी है। इंडिया जैसे टेस्ट कर करके निकलो। कैसी लगी? मैंगो जैसा मैंगो, मैंगो जैसा मैंगो, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी है। मैंगो बहुत टेस्टी था। कैसा? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो इतनी खास नहीं है, हम फ्रेश वाली खाते हैं, ये भी अच्छी लगती है। कुछ खाने का मिल रहा है, पता नहीं क्या है, मीट वगैरह रहेगा सामने दिख रहा है, मीट का बॉल और क्या, इसको देखो बैठ गए यहाँ पे खाने। लाओ ये बहुत बड़ी स्ट्रीट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हम लोगों के लाइफ खाने का कुछ नहीं है, बस कॉफी और आइसक्रीम ये कुछ थोड़ा बहुत है। अब ये कैप की दुकान में घुस गई है और अब देख रही है मैं कौन सी कैप लूँ यहाँ से। अच्छा लग रहा है उधर कांच में देखो, जापान के क्राफ्ट की हाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। उधर वो बहुत सारे परफ्यूम और वो सब रखे हुए हैं, उनकी खुशबू आ रही है। सब वो पुरानी स्टाइल में है, कामाकुरा की स्टाइल में। जापान में सब जगह माचा मिलता है, लेकिन कामाकुरा में चाचा मिल रहा है। कामाकुरा का चाचा मतलब ग्रीन टी है, वो चाचा माचा ही है पर वो चाचा। तो दोस्तों इसके बाद हमने कौन कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर की कानागावा प्रिफेक्चर में,
और कहाँ कहाँ पर हम गए वो जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट टू। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।